नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। जाजपुर में विधानसभा प्रत्याशी खेत के रास्ते से पेड़ हटाने और सफाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा। इको पार्क में पानी का अभाव, वन्य जीव और पर्यटक परेशान। रामसनेह चिकित्सालय में अमेरिका से आयातित अत्याधुनिक ब्लड जांच मशीन का आचार्य रामदयाल जी महाराज ने किया लोकार्पण। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण बैठे बदमोर में धरने पर। यूआईटी की अनदेखी, नेहरू उद्यान में बिखरी है गंदगी। नीमच कोटा रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को मंजूरी, 90 किलोमीटर की दूरी होगी कम। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मांडल चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। जाजपुर कस्बे में विधानसभा का प्रत्याशी रहा एक युवक अपने खेत के रास्ते में आ रहे पेड़ को कटवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। प्रशासन ने पेड़ को भी कटवा दिया, लेकिन अब भी वह टावर पर है, उसे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक देशराज ने हलचल को दूरभाष पर बताया कि चामुंडिया का रहने वाला और विधानसभा का प्रत्याशी रहा दिनेश प्रजापत कस्बे की एक मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। इस बात की जानकारी मिलने पर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। जानकारी करने पर प्रजापत ने बताया कि उसके खेत के रास्ते में एक पेड़ बाधा बना हुआ है। उपाधीक्षक देशराज ने बताया कि युवक की मांग पर पेड़ कटवा दिया गया है, लेकिन वे टावर से नहीं उतर रहा। उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। युवक की पत्नी को भी बुलाकर समझाने का प्रयास किया है, लेकिन खेत से मलबा हटाने और नाले के पानी को बंद करने की मांग युवक ने नहीं रखती है। चावंडिया चौराहे के पास में टावर के ऊपर नेसी प्रजापत अपनी मांग को लेकर ऊपर चढ़े हैं। उनकी मांग पूरी कर दी गई है और उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमान अर्जुन साहब खुलिया और मिट्टी साहब और थानदार जी वगैरह सब जा रहे हैं। क्या प्रयास किया सर आपने? उसका मौके पर जो उनकी मांग थी कि वो पेड़ को हटाना चाहिए था, पेड़ को हटवा दिया और जैसे वो कम्प्लीट रास्ता करवा दिया। आपने रास्ता साफ हो आपने मलबा की सबकी खेदियों में कहीं केदियो भाई वो 50 ट्रोली मलबा की पड़ी खेत का महीने इन्हें भी फरोटाओ दे उधर यानी केदियो साहब ने मतलब ने और वो नालो खेत में डांक रही जी की भी खेदी है वो नालो खेत में आ रही हो मगे बेहद खेत में शान का चारा का महीने तो चारो जी का महीने पूरा जाजपुर आधा जाजपुर को नाल आ रही हो। ये भाई साहब ने तो ध्यान है, ये जाना मई जमीन है। बताऊ नो अब कह रहे ना जो मैं जा रही हूँ वो बता भाई। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। मेहता ने मांडल चिकित्सालय का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं तो देखी ही, साथ ही रोगियों से भी बातचीत की। मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्था को ठीक बताया है। अस्पताल पहुंचने पर जिला कलेक्टर का चिकित्सकों व स्टाफ ने स्वागत किया। ठीक है, इलाज अच्छे साथ
यूआईटी के अनदेखी एवं लापरवाही से नेहरू तलाई की पाल पर चारों ओर खाद्य सामग्री की खाली पॉलिथीन एवं कचरा फैल रहा है। तालाब की पाल पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं। तलाई के चारों ओर रेलवे ट्रैक पर पिछाड़ियां एवं गाजर घास उगी हुई है। उद्यान में भ्रमण को आने वाले लोगों को बदबू और गंदगी से दूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। गार्डन में बैठने की बेंचें टूटी हुई है, जगह जगह ईंटें उखड़ गई, बच्चों के लिए लगे झूले भी टूट चुके हैं। लव गार्डन में मॉर्निंग वॉक वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। पार्क में सेफ्टी टैंक खुला पड़ा हुआ है, जिससे कभी कोई हादसा हो सकता है। पेशाबघर व शौचालयों के गेट तक नहीं है। प्रवेश द्वार पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पात्र भी टूटे हुए हैं। संपत माली की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गुल्ला में मनरेगा ग्राम पंचायत भवन में गुरुवार को नरेगा योजना के तहत एक दिन के लिए मेट 21 महिला ने मेट को प्रशिक्षण दिया। सभी ग्राम पंचायतों में से कुल गुल्ला, रामपुरिया, सांगवा सहित 3 पंचायतों की महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें समस्त महिलाओं को एक दिन की मेट ट्रेनिंग देकर नरेगा योजना से संबंधित जानकारी दी गई। मेट के नियम एवं कर्तव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। बद्रीलाल मालिक की रिपोर्ट। शेख जमातुल अब्बास भिश्ती बिरादरी समाज कल्याण के नवनियुक्त अध्यक्ष अब्दुल करीम अब्बासी व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अब्बासी व उप चेयरमैन मोहम्मद सईद सक्का के नियमत से जयपुर जाते समय कुछ समय के लिए सर्किट हाउस रुके, जहां पर युद्ध प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का के नेतृत्व में समाजजनों ने दस्तार बंदी कर माला पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा, शिक्षा से ही समाज का विकास होगा, शिक्षा ही समाज की तरक्की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अब्बासी ने कहा कि समाज में फिजूल खर्ची को रोकना होगा, दिखावा बंद करना होगा, जिसका एक ही उपाय है सामूहिक शादी सम्मेलन में ही शादी करें वे दहेज को त्याग दें। उप चेयरमैन मोहम्मद सईद सक्का ने कहा कि समाज में मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कि हम यहाँ पर एक एकता का आह्वान चाहते हैं समाज में, जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए। और जो समाज में चल रहा है आजकल, जैसे कि अभी हाल हमारे इन्होंने बोला कि नशा मुक्ति केंद्र, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। और शिक्षा के अंदर सबसे पहले हमारी है शिक्षा के अंदर, शिक्षा के आगे सबको आगे बढ़ाएंगे। अभी नीमच में हम हर साल शादी सम्मेलन करते हैं, सामूहिक सम्मेलन करते हैं, और नीमच में हम परी सम्मेलन करवाते हैं। उन बच्चों को लाते हैं जिनके रिश्ते नहीं होते हैं, पढ़े लिखे गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं, और इसी उसके बाद हम सम्मेलन करवाते हैं। हम उम्मीद करते हैं इनसे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में ये हर जिले में जाएंगे। और सामूहिक विवाह तो ये पहले भी करते आए हैं, इन्होंने सामूहिक 3 सामूहिक विवाह शादी सम्मेलन पहले भी किया है, गरीब बच्चों का और बेवाओं की बच्चियों का। और इनका जो है ये ढूंढ ढूंढ के शादी सम्मेलन करते हैं, और इसी क्रम में जो है इनको समाज ने, सब समाज ने इकट्ठे होकर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है उपाधि दी है। चित्तौड़गढ़ नीमच राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने अपने लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की जनता के साथ नीमच को एक और तोहफा दिया है। नीमच सिंगोली बेगू रावत भाटा कोटा के बीच नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए सीपी जोशी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि नीमच सिंगोली बेगू रावत भाटा कोटा के बीच 201 किलोमीटर 30 मीटर की नई रेल लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए 5 करोड़
3,25,000 रुपए रेल मंत्रालय ने स्वीकृत किए हैं। नई रेल लाइन बनने के बाद कोटा से नीमच की दूरी में काफी कमी आएगी। क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे बेगू को रेल लाइन का लाभ मिलेगा। साथ ही एशिया के सबसे बड़े परमाणु बिजली घर रावतभाटा होने व पत्थरों व वाणिज्यिक कृषि उपजों की बहुलता होने से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रेलवे राजस्व में भी वृद्धि होगी। नीमच से अमित सैनी और चित्तौड़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। सवाईपुर कस्बे में जाजपुर कोटड़ी विधायक गोपीचंद मीणा ने 2 दिव्यांगों को तिपहिया स्कूटी वितरण की, जिसे पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष देवराज जाट ने बताया कि विधायक गोपीचंद मीणा ने 2 दिव्यांगों को पेट्रोल से चले तिपहिया स्कूटी वितरण की। विधायक मीणा ने सोपुरा निवासी दिव्यांग सावरमल रेगर व किशन लाल जाट को माला पहनाकर स्कूटी की चाबी सौंपी, जिसे पाकर दोनों दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में विधायक प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी के मुख्य अतिथि एवं जिला महामंत्री भगवती प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता तथा क्षेत्रीय पार्षद जगदीश गुजर एवं शाला प्रबंधक एवं विकास समिति के रूपचंद पहाड़िया श्यामलाल ओझा के विशिष्ट आतिथ्य में राज्य सरकार द्वारा 2022-23 व 23-24 में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जा रही निःशुल्क साइकिलों की योजना के प्रथम चरण में 75 बालिकाओं को मुख्य अतिथि अवस्थी ने निःशुल्क साइकिलें वितरित की। साइकिलें पाकर बेटियों के चेहरे खिल उठे। वे मुस्कुराते हुए अपने अपने साइकिलों के साथ घर गईं। अवस्थी ने कहा कि बेटियों के लिए सरकार द्वारा जो लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ उठाकर गुरुजनों का सम्मान करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनकर राष्ट्र के उत्थान में सहभागी बनना चाहिए। हर क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ के वो काम कर रही है, आज हवाई जहाज उड़ाना करना सारा काम आज महिला शक्ति करने लगी है। फौज में भर्ती हो गई है, पुलिस में भर्ती हो गई है, जितने भी क्षेत्र हैं समाज के सेवा के, उन सब क्षेत्रों में महिला शक्ति आगे बढ़ के कार्य कर रही है। और सरकार की मंशा यही है कि क्योंकि ये आधी आबादी है, और आधी आबादी अगर समाज के रचनात्मक सहयोग में लगेगी तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत जल्दी एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने कैरियर को बनाने के लिए और अच्छे संस्कार डालने के लिए अपने गुरुजनों का सम्मान करें और इनकी बताई हुई बातों को अमल करें, और जिस तरह से सरकार की जो भावना और मंशा है उसके अनुरूप आप एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर इस देश की। रामसिनी चिकित्सालय में अत्याधुनिक ब्लड जांच की मशीन का लोकार्पण आचार्य रामदयाल महाराज द्वारा किया गया। चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी सतीश पदादा ने बताया कि रामसिनी संप्रेषण जगतगुरु रामदयाल जी महाराज द्वारा विश्व प्रसिद्ध ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक की अमेरिका से आयातित अत्याधुनिक ब्लड जांच मशीन विट्रोस 5600 का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संत नानुराम एवं चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अपूर्व शास्त्री, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वीके व्यास, डॉक्टर पिंकी धारीवाल सहित सभी चिकित्सक, रमेश राठी, पारसमल बिपाड़ा प्रबंधक समिति सदस्य, टेक्नीशियन एवं चिकित्सालय स्टाफ रामसिनी भक्त उपस्थित थे। लेबोरेटरी प्रभारी रामनारायण लड्ढा एवं बालकिशन काबरा ने बताया कि इस मशीन के लगने से चिकित्सालय में मरीजों के ब्लड की जांच की गुणवत्ता बढ़ेगी एवं जांच में समय कम लगेगा, जिससे गंभीर रोगियों को जल्द उपचार मिलेगा। साथ ही इस मशीन से जांच में पानी का उपयोग नहीं होता है, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। इस मशीन से बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन्स व इलेक्ट्रोलाइट सभी तरह की जांच की जा सकेगी। शाहपुरा की अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मीणा के सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद का औचक निरीक्षण करने से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार नगर परिषद के औचक निरीक्षण में नगर परिषद आयुक्त एवं 3 अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मीणा द्वारा उक्त विभागों के जो अधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस देकर समय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि आगे भी इस तरह औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा। जिले के आसीन हुर्रा विधानसभा के अंतर्गत बदनोर में 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीण तहसील कार्यालय के सामने बड़ के पेड़ के नीचे 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे।
वहीं 16 सूत्रीय मांगों में लंबी दूरी की बसों का संचालन, आधार कार्ड सेंटर, बदनोर महल का विकास, कृषि मंडी को पुनः संचालन, सरकारी कॉलेज विजयनगर चौराहे से संग्रामगढ़ तक सड़क निर्माण आदि विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। वहीं ग्राम विकास समिति के द्वारा अनशन सत्याग्रह में मुख्य मांगे रखी गई, इसमें लंबी दूरी की रोड केंद्र खुलवाने, तकनीकी कॉलेज खुलवाना, SBI की बदनोर में शाखा खुलवाना, अंजन धान एवं बेराट माताजी में रोपवे का संचालन सहित विभिन्न मांगों को लेकर बदनोर ग्रामवासी अनशन पर बैठे हैं। हम क्या कर गांव की ग्राम के विकास के लिए धरने पे अनशन पे बैठे हैं, मतलब यहाँ रोडवेज चले, आवागमन का साधन बढ़े और दिव्यांगों को ये मिले, लंबी दूरी की रोडवेज चलाना बहुत जरूरी है। अनशन कब तक चलेगा? अनशन अनिश्चितकालीन अनशन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अनशन पे बैठे रहेंगे। आमरण अनशन भी अगर करना पड़े तो आमरण अनशन भी करेंगे और रोडवेज चला के ही उठेंगे। विज्ञान भारती इकाई भिलवाड़ा द्वारा भिलवाड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विज्ञान भारती की कई सचिव डॉक्टर सुनील पोलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी विद्यालय गठिला खेड़ा हमीरगढ़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिदड़ियास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धूलखेड़ा, नारायणपुरा, पनौतिया, शाहपुरा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर भिलवाड़ा में विज्ञान दिवस पर कई रोचक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विज्ञान भारती के इकाई अध्यक्ष एवं पूर्व वैज्ञानिक करण सिंह सिंघवी ने विज्ञान दिवस की साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत हजारों विद्यार्थियों को कई रोचक प्रयोग बताए, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत किया। विज्ञान भारती के कार्यकारिणी सदस्यों मुकेश माली, चंद्र प्रकाश मालू, राजेंद्र शर्मा, महेश कोहली, विद्या भारती के अध्यक्ष अशोक व्यास ने विभिन्न विद्यालयों में महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन परिचय और उनके कार्यकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न विभिन्न विद्यालयों के स्टाफ साथियों ने कार्यक्रम में सहयोग किया। पीपल फॉर एनिमल संस्था द्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षण रथ वन रक्षकों को हरणी की पहाड़ी का भ्रमण कराते हुए वनों की कटाई रोकने, पौधारोपण करने, वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने, पौधों की ब्रीडिंग एवं शिफ्टिंग, खाद बीज एवं पौधों की कटाई कर नए पौधे तैयार करने संबंधी बारीकी से जानकारियां दी। PFA प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रशिक्षु वन रक्षक समता जाट, श्यामू कुमार जाट, निधि शर्मा, प्रेम कुमारी धागर, रूपा धोबी, संगीता रतावा, कंचन कुमारी जाट, विमला विश्नोई, हंसा तेली, सावित्री कुमारी तेली, सरिता धाकर, रानी कंवर चौहान को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने पर PFA की ओर से जाजू ने प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरणी नर्सरी प्रभारी कांता कंवर ने भी विचार रखे। इको पार्क के बीच स्थित मनसा महादेव मंदिर क्षेत्र में पीछे 6 महीनों से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पर्यटकों वन्य जीव को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीव प्रेमी ने बताया कि इको पार्क की पहाड़ियों के बीच स्थित ये स्थल पर्यटकों एवं वन्य जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की वजह से पर्यटक वन्य जीव की पेयजल व्यवस्था 6 महीने से ठप पड़ी हुई है। अधिकारियों के ध्यान दिलाने के बावजूद मंदिर के पीछे बनी पानी की टंकी लंबे समय से सूखी पड़ी हुई है। इससे मंदिर क्षेत्र में जीव जंतु पर्यटकों को पेयजल सुलभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब यहां लगी सिंटेक्स टंकी भी गायब है, टोटी टूटी पड़ी हुई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा बनाया पानी का टैंक 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ संगोष्ठी पार्टी पर्यटकों का सर्वाधिक ठहराव रहता है, लेकिन वन कर्मियों की उपेक्षा एवं जल संकट से वाटिका उजड़ती जा रही है। पर्यटकों के लिए बने शौचालय सीढ़ियों के अभाव में दुर्घटना का सबब बन गए हैं। वन्य जीव प्रेमी सत्यनारायण व्यास, कृष्ण गोपाल लड्ढा, राजू आचार्य, सुभाष ओझा, जगदीश वैष्णव ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर क्षेत्र में पानी का टाका एवं पर्यटकों के लिए पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। विजय गढ़वाल के साथ अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। मोतीपुर पंचायत के युवाओं ने पक्षियों को बचाने के लिए कन्हू की पहल शुरू की है। आसीन क्षेत्र के मोतीपुर ग्राम पंचायत के धोली ग्राम में पक्षी घर बनाया जा रहा है। ग्रामीण भेरूलाल गुजर ने बताया कि प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। यह युवा सत्यनारायण प्रजापत राजूलाल साहू ने एक पहल शुरू की है। इसमें चारभुजा मित्र मंडल व सभी आसपास के गाँव के अलावा दूसरे जिले के भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है। पक्षियों के लिए 10 मंजिला टावर बनेगा, जिसमें 1500 फ्लैट बनेंगे, 2000 से अधिक पक्षी निवास कर सकेंगे।
करेंगे। इसी की लागत लगभग 8 लाख की होगी। यह धोली से जबरकिया रोड पर देवनारायण मंदिर के पास बनाया जा रहा है। मैं भैरूलाल गुजर, राज्य के सबसे बड़ा 8 लाख की लागत से बनेगा पक्षी घर, यह भीलवाड़ा जिले के मोतीपुर ग्राम पंचायत के धोली ग्राम में चारभुजा मित्र मंडल के युवा साथियों द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। इंसानों को रहने के लिए आशियाने बनते आपने खूब देखे होंगे, लेकिन आज दिखाते हैं हम बेजुबान पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए बनाए जा रहे हैं। 10 मंजिल का पक्षी घर बनाया जाएगा, जिसमें 8 मंजिल में पक्षियों के लिए खाने पीने की सुविधा रहेगी और छत पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण पक्षियों की कहीं मौतें हो रही है, इसी के लिए लाइटिंग अरेस्ट लगाया जाएगा। दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक में अपने शब्दों और संगीत से कर्णप्रिय स्तुति देने वाले विश्वख्यात संगीतकार रविंद्र जैन को भीलवाड़ा की सभी सुंदरकांड समितियों ने हटीले हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर सुंदरकांड पाठ द्वारा श्रद्धांजलि दी। यह जानकारी श्री हटीले हनुमान मंदिर के पुजारी बालकिशन शर्मा ने दी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सामाजिक समरसता अभियान प्रमुख बद्रीलाल सोमानी ने इस अवसर पर बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय घर घर श्री रामशिला पूजन कार्यक्रम में जन जागरण करने वाले सभी गीतों को विश्व विख्यात संगीतकार नेत्रहीन रविन्द्र जैन ने अपनी वाणी से गायन किया। यह सब उन्होंने निःशुल्क ही रामलला के लिए कार्य किया। उस समय उन्होंने कई कर्णप्रिय गीत गाए। सुंदरकांड समितियों के प्रभारी भगवतीलाल माहेश्वरी ने हटीले हनुमान मंदिर पर श्रद्धांजलि सत्संग कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश खेमादा ने संगीतकार रविंद्र जैन द्वारा रचित हिंदी सुंदरकांड पाठ का संगीत में पाठ किया। उनका साथ गीतकार नारायण ने दिया। संगीतकार कैलाश लाछुड़ा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समाज सेवी रामचंद्र मुंदड़ा, महेश शर्मा, राम वैष्णव, रमन राठी, श्री संगीत संस्थान के जगदीश जागा, दिनेश काबरा, पारस चंद्र प्रकाश, पप्पू सूरज सेन, पुजारी बालकिशन शर्मा, विजय मनीष शर्मा आदि उपस्थित थे। राजेंद्र सारस्वत की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज के प्रमुख जनों की सभा हुई, जिसमें परशुराम जयंती मनाने पर विचार विमर्श किया गया। छन्याद ब्राह्मण समाज संपत्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा ने महोत्सव समिति का गठन करने का सुझाव दिया। 9 मई 2024 को सायंकाल परशुराम सर्कल से चित्रकूट धाम तक भव्य शोभा यात्रा निकालकर स्नेह भोज आयोजित करना तथा 10 मई को सायंकाल भगवान परशुराम की महाआरती एवं सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम सर्वसहमति से तय किया गया। नरेश ओझा, हरिकंठ, चंद्रशेखर शर्मा, संजय पारिक, दुर्गा शंकर पारिक, राजेंद्र कुमार पाराशर, शंभुलाल जोशी ने भी विचार व्यक्त किए। सभा का संचालन एडवोकेट विकास व्यास ने किया। नगरपालिका अध्यक्ष संजय डांगी के पद पर भार ग्रहण किया। पहले डांगी निलंबित चल रहे थे, सरकार ने वापस बहाल किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।